अनेक सब्जी को इसे क्या कहते हैं, फल है ना।
श्रीनिवास। अब माता नाम, माता
व्यक्ति के लिए आदमी औरत लड़का लड़की अथवा किसान माँ पिता और इसका नाम देखी हो आदमी का नाम क्या है शरद का नाम कमला लड़का का नाम रवि लक्ष्मी का नाम रीना अध्यापक का नाम रोहन और किसान का नाम श्रीनिवास माँ का नाम कविता और पिता का नाम कोई आपका पिता का नाम आपके पिता का नाम लिख सकते थे किंतु व्यक्ति के लिए उदाहरण हो गया अब क्या है वस्तु के लिए कुछ उदाहरण देना है वस्तु के लिए वस्तु है ना मैं यहाँ पर कुछ चीजों को कहना है तो क्या है धंधा बच्चों धंधा और क्या एक क्या है अच्छा
पहले परिभाषा को अपना जो काम कर रहे हैं भाव आचरण संधि के बारे में, सिर्फ अब क्या समझा, संध्या किसे कर रहे हैं और संध्या के उदाहरण समझ लेना बच्चों, जितना भी जानिए उसके भाव नहीं लेते अपने को, संध्या में कितने बैठे भेदों का परिभाषा और उदाहरण के साथ उदाहरण लेकर आपको नामों को परीक्षा उदाहरण के साथ आपको परिभाषा देगी। ठीक है बच्चों, पहले संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि संज्ञा के लिए उदाहरण व्यक्ति का व्यक्ति के लिए कुछ नाम है आदि बाबा श्रद्धा लड़की अध्यापक सर माँ पिता, ऐसे उसका नाम बताए तो रमेश कमल रवि मीना रोहन सुंदर सरिता ऐसे अनेक आदि आए, दादा दादी नाना नानी चाचा शिक्षक सेवक मालिक ऐसे अनेक शब्द आप कह सकते आए व्यक्ति के लिए। लेकिन वस्तु के लिए आप चीजों के नाम ही लिखना है, वस्तु आपके आस पास कुछ चीजें होते हैं ना उसका नाम इससे लिख सकते हैं, जैसे आपके पास क्या क्या होती है, साइकिल होती है, साइकिल मतलब बैग साइकिल होती है, जैसे कि किताब कलम पेंसिल रबर या जो रबर होते हैं, और उसके साथ साथ एक बॉक्स बोतल कप आइसक्रीम गुड़िया ये सब क्या है चीजों के नाम है। उसके बाद स्थान, स्थान है बच्चों, स्थान का मतलब प्लेस, स्थान का मतलब बताइए अमेरिका सॉरी भारत, पहले भारत में देखो भारत कर्नाटक गुजरात गोवा वैसे कर्नाटक में आने वाले कुछ स्थल स्थान के नाम, कर्नाटक में कितना स्थान आते हैं प्लेस आते हैं वो सभी को आप देख सकते हैं, भारत में कौन कौन सा स्थान है वो सभी का नाम देख सकते हैं, जैसे कि जू जू का नाम ले सकते हैं, कोई भी स्थान का नाम आप ले सकते हैं, तो सभी स्थानों के लिए नाम तो जरूर होते हैं ना, वैसे ही इसलिए सभी नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का परिभाषा उदाहरण के साथ लाइक आपको दी गई हो, अब जाना लेंगे क्या किसका किस विषय के बारे में जानकारी वाला है संख्या परिभाषा हो गए उदाहरण के साथ, अब देखना है कि संख्या में कितने भेद हैं। देखो अगली कक्षा में मैं आपको देती हूँ उदाहरण के साथ।